नकली घी, नकली नोट और नकली शैंपू बनाने वालों पर कार्रवाई करने के बाद आज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद छापामार कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से भारी मात्रा में कलकत्ता बीड़ी जब्त की है। संभवतः यह बीड़ी नकली मानी जा रही है। कोतवाली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उखरी रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में मोहित ट्रेडर्स पर छापा मारते हुए कलकत्ता बीड़ी के करीब 25 बड़े कार्टून जब्त किए गए हैं। पुलिस मौके पर कार्रवाई करते हुए पूछताछ कर रही है। एक पेटी में करीब 300 बीड़ी के छोटे पैकेट होते हैं। बीड़ी के असली नकली होने के संबंध में पूछताछ करते हुए पुलिस दस्तावेजों की जाँच कर रही है। इन द्वारा न्यू कलकत्ता बीड़ी का नकली माल का प्रोडक्शन और सप्लाई ये किया जा रहा है। इस सूचना की यहाँ पर तस्दीकी के लिए एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 34 पेटी के आसपास नकली न्यू कलकत्ता बीड़ी का माल मिला है। उसके संबंध में बातचीत की जा रही है। माल के संबंध में बिल वगैरह प्रथम दर्शन लोगों ने कुछ प्रस्तुत नहीं किया है और उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, लगभग कितने का माल होना चाहिए? लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास का माल। कितने रुपये समझ आ रहे हैं आपको? प्रथम दृष्टि जितेश रजानी के प्रीमाइसेस में माल मिला है। इसमें जितेश रजानी से ही वही बातचीत कर रहे हैं।